हेलो फ्रेंड्स इन्वेस्ट में एक बार फिर से स्वागत है देखिए एक क्वेश्चन हमेशा आता रहता है कि व्हेन टू सेल स्टॉक्स मतलब स्टॉक को सेल क्यों सेल कब करें देखिए मार्केट में अभी एक बहुत बड़ी गिरावट मतलब आती जा रही है आती जा रही, अब यहाँ पर अगर हम देखें यहाँ पर अगर मैं आपको दिखाता हूं तो यहाँ पर इस लेवल से हम पहले यहाँ पर नीचे की तरफ ओके लगभग लगभग नाइन सिक्स नाइन सिक्स तक हम जाते हुए दिखाई दिए नाइन सेवन फाइव सिक्स तक फिर उसके बाद एक जंप दिखाई दी और यहाँ पर एक गिरावट दिखाई दी ओके okay, अभी भी यहाँ पर एक गिरावट दिखाई दे रही है पिछले दो ट्रेडिंग सेशन से तो अगर हम बात करें Uh, तो देखिए किस ये गिरावट क्यों है तो देखिए मैंने ऑलरेडी जब लास्ट टाइम हमने एक वीडियो बनाई थी और आपको बताया था कि आपको डरने की जरूरत नहीं है यहाँ पर ऊपर की तरफ जाना है तो मैंने आपको ये भी बताया था ये बताना भूल गया था बट मैं अगले दिन ही वही एक पहली वीडियो में मैंने आपको ये बताया था कि जब जब यहाँ पर इस तरीके से यहाँ पर रिवर्सल आना होता है ना तो एक दिन गिरावट आती है और ऊपर से गिरावट आने के बाद जब ये पैटर्न पूरा चेंज होता है अपवर्ड पैटर्न होता है मतलब ऊपर जाना होता है तो उसके बाद एक छोटी सी गिरावट

ओके okay, उससे ज्यादा एक बड़ी गिरावट होती हुई दिखाई दी मतलब नीचे जाता हुआ गैप डाउन होता हुआ दिखाई दिया बट उसके बाद यहाँ पर ऊपर गया तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर रिवर्सल तो हो गया है बट बीच में एक आध बार यहाँ पर स्टॉक आपका नीचे जा सकता है तो यहाँ पर हर बार अगर आप देखेंगे इसी तरीके का कुछ यहाँ पर चार्ट पैटर्न देखिए यहाँ पर ये गिरावट हुई उसके बाद यहाँ पर ये पर ये हरी कैंडल आपको दिखाई दे रही है फिर उसके बाद यहाँ पर दो कैंडल रेड भी दिखाई दे रही है इस सेम इसी तरीके से यहाँ पर भी इस ये सेम पैटर्न यहाँ पर बनता हुआ नजर आ रहा है बार बार तो आप खुद चीज थोड़ा सा समझना होगा तो देखिए यहाँ पर आ, आ, हमारे व्यूअर्स का भी कहना है और आ, आ, दूसरे लोगों का भी ये हमेशा माइंड में, में रहता है कि स्टॉक्स को सेल कब करें? तो देखिए थोड़ी सी यहाँ पर टाइम लेंगे हम इसमें इसे समझने के लिए कि कब हमें सेल करना है स्टॉक्स को तो सबसे पहले हमें समझना होगा कि हम किस ट्रेड आ, किस हमारे और ये समझना होगा कि आप किस तरीके के इन्वेस्टर्स है आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स है आप शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर्स है आप पोजिशनल ट्रेडिंग करते हैं या फिर आपको आ, कितने टाइम के लिए आपको कितना प्रॉफिट चाहिए तो देखिए यहाँ पर अगर हम बात करें तीन चार तरीके होते हैं यहाँ पर पहले सेल करने के और इसके अलावा हम रियल जो हमने फेस किया है उसके हिसाब से भी

इफ बाइंग द स्टॉक वॉज मिस्टेक मगर अगर आपको लग रहा है कि ये स्टॉक मैंने गलत खरीद लिया है तो वहाँ पर लॉस पर निकल जाना एक अच्छी स्ट्रेटेजी रहती है ये भी अच्छी बात है इसके अलावा द स्टॉक मतलब एक ऐसे लेवल पर पहुंच गया है कि जहां पर वो सस्टेन नहीं कर पाएगा वहां से उसे नीचे ही आना है तो हम उस, उस लेवल पर यहाँ बेच सकते हैं इसके अलावा हम बात करें वेर यू नीड मनी जब आपके पास पैसा की जरूरत हो आपको तब यहाँ पर स्टॉक को सेल करना चाहिए बट इसके अलावा हम हमारी जो स्ट्रेटेजी है उसके बेस पर

जैसे कि यहाँ पर हो गया सीडीएसएल ले लिया पता है कि भाई इसका बिजनेस पा, अगले पांच साल दस साल में अच्छा खासा ग्रो होने वाला है अभी ये आ आ और, तो और यहाँ पर अगर देखें तो बारह सौ सैंतालीस बारह सौ रुपए के आसपास यहाँ पर शेयर चल रहा है मतलब टूटते जा रहा है क्या हमें बेच देना चाहिए तो ये आप अगर लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टर्स है तो आपको इसके घबराने की जरूरत नहीं है यहाँ पर फंडामेंटल्स आपके सब सही दिखाई दे रहा है सब कुछ आपको अच्छा दिखाई दे रहा है तो यहाँ पर इस शेयर को बेचने का कोई जरूरत ही नहीं है क्योंकि यह शेयर एक बेहतरीन शेयर है तो सबसे पहले तो आप डिसाइड करें कि व्हाट ऑफ इन्वेस्टर वॉट ओके दूसरी बात देखिए हमेशा ये होता है कि आप जब शेयर को खरीदते हैं तो शेयर खरीदने के बाद उसमें एक अच्छी खासी गिरावट आ, आ, आती ही आती है तो देखिए हम जब अपना पूरा पोर्टफोलियो आपने अगर अभी आपको एग्जांपल देता हूँ आपके उससे ही। आपने कोई पहला स्टॉक्स अपना कभी भी खरीदा हो ओके तो उससे खरी, आपने खरीदा ही समझ लीजिए पंद्रह सौ रुपए के लेवल पर तो कभी कभी यह होता है कि क्या कहते हैं कभी कभी बाई चांस होता है कि आपका स्टॉक वहां से ऊपर भागने लग जाए बट मोस्ट ऑफ द केसेस में क्या होता है कि आप यहाँ पर आपने खरीदा है तो यहां से गिरना ही रहता है उस शेयर को तो वहां से ये शेयर गिरता ही है तो इस चीज को आपको थोड़ा समझ के लेना होगा कि आप अपने पोर्टफोलियो को रिस्ट्रक्चर कर रहे हैं तो उसमें गिरावट होगी इवन मेरे पोर्टफोलियो में मेरा जितना प्रॉफिट था उसका लगभग अगर मैं बात करूं फोर्टी परसेंट उड़ चुका है ओके बट अगर हम बात करें हमने यहां पर रीस्ट्रक्चर किया है हमने यहां पर नए स्टॉक्स को ऐड किया है और वो स्टॉक्स ऐड करने के बाद यहां पर थोड़े बहुत नीचे चल रहे चले आ रहे हैं और हम यहाँ पर देख चुके हैं कि जब हम निफ्टी स्मॉल केस हम अगर स्मॉल कैप अगर हम देखते हैं तो ये इसमें इस तरीके की गिरावट ऑलरेडी दे रखी है कि इसमें गिरावट आ रही है बट यहाँ से एक रिवर्स कैंडल आ गई और पिछले जब हमने लास्ट वीडियो में बात करी थी तो हमने देखा था कि किस तरीके से यहाँ बीच में गिरावट भी है फिर उसके बाद ऊपर ही जाना है उसे तो उसके लिए हमें टाइम देना होगा थोड़ा बहुत और उसके लिए हमें टाइम देना ही है अगर हम टाइम नहीं देंगे हम सोचेंगे कि आज हमने शेयर खरीदा है कल ही ऊपर चले जाएगा तो वो ऐसा नहीं होने वाला हमने इतने अच्छे अच्छे शेयर अपने पोर्टफोलियो में रखे हैं तो हमें उसको थोड़ा सा टाइम देना होगा तो सबसे पहले आपके पास जो भी शेयर है पहले तो यहाँ पर ये यह देखिए कि आपका शेयर अच्छा खासा है या नहीं आपका शेयर फंडामेंटली स्ट्रॉग शेयर है या नहीं यहाँ पर अगर हम बात करें यहाँ पर सी डी शेयर नजर आता है हाईस्ट एवर यहाँ पर रिजल्ट आ रहे हैं हाईस्ट टाइप ऑफ प्रॉफिट आ रहा है ईयरली क्वार्टरली बेसिस पे कंसिस्टेंसी एफ आई एस अच्छी खासी है सब चीज यहाँ पर अच्छा खासा नजर आ रहा है तो ऐसे केस में हमें पहले यहां पर फंडामेंटल चेक करनी है बिजनेस मॉडल चेक करना है जो कि हम करते हैं कि बिजनेस करता क्या है जब सब चीज हमारे सामने हो तो उस केस में हमें क्या करना है उस केस में लॉन्ग टर्म रखना है शॉर्ट टर्म रखना है उस हिसाब से आपको माइंड में रखना है अपने माइंड में कि किस तरीके से और दूसरी बात हम बात करें हम जब स्विंग ट्रेडिंग की बात करते हैं किसी और चीज की बात करते हैं तो हमारे पोर्टफोलियो हमें दो अकाउंट होने चाहिए हमेशा दो अकाउंट क्यों होने चाहिए एक हमारा लॉन्ग टर्म के व्यू से भी होना चाहिए और एक हमारा शॉर्ट टर्म के व्यू से भी होना चाहिए ये नहीं कि हमारे पास अगर एक लाख रुपये एक लाख रुपये हमने स्विंग ट्रेडिंग में ही डाल दिया ऐसा नहीं करना चाहिए हमेशा हमें ट्रेडिंग के मतलब से जब हम ट्रेडिंग कर रहे हो तो हमें केवल और केवल क्या कहते हैं टेन परसेंट या ट्वेंटी परसेंट या थर्टी परसेंट तक ही यहाँ पर स्विंग ट्रेडिंग के परपज से रहनी चाहिए बाकी लॉन्ग टर्म के परपज से भी यहाँ पर शेयर को अपने पोर्टफोलियो में रखना चाहिए अगर आपका डीमर ट्रेडिंग अकाउंट नहीं है नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा क्लिक करिएगा फ्री में आपका अकाउंट ओपन हो जाएगा तो दो अकाउंट रखना भी एक जरूरी बात है तो उसे भी रखिए अब बात करते हैं तीसरी तो अगर देखिए आपका स्टॉक्स किस लेवल पर चल रहा है वो भी आपको देखना होगा अभी अगर हम बात करें तो देखिए एक एक लेवल या एक ये भी है हम बात करते हैं लक्ष्मी ऑर्गेनिक की तो लक्ष्मी ऑर्गेनिक पर अगर हम देखें के आसपास से पे आज की रेट में आया और यहाँ पर आर एस आई आर एस आई यहाँ पर कितनी दिखाई दे रहा है यहां पर देखिए एटी सेवन यहाँ पर दिखाई दे रहा है एटी सेवन का मतलब क्या है एटी सेवन का मतलब साफ है कि ये ओवर बोर्ड जोन में चल रहा है मतलब इसे बहुत ज्यादा खरीदा जा चुका है ओके तो यहाँ पर जब एटी वन सेवेंटी के ऊपर आ जाता है तो ओवर ओवरबोर्ट हो जाता है थर्टी के नीचे आ जाता है तो ओवरसोल्ड हो जाता है तो यहां पर एक स्ट्रेटेजी लोग ये भी यूज करते हैं कि अगर ये सेवनटी के ऊपर चला गया या एटी के ऊपर चला गया तो यहाँ पर बेचना शुरू कर देते हैं तो इसलिए देखिए मैंने आज यहाँ पर ये यह शेयर को अभी लास्ट में पर पर निकालते निकाला है क्यों क्योंकि यहाँ पर एक दोबारा से एक अपॉर्चुनिटी बनेगी ये शेयर रुपए नीचे आएगा आए ऐसा नहीं है कि ये शेयर पूरा एकदम सीध सीधे ऊपर ऊपर की तरफ नाइनटी डिग्री के एंगल पर चलते जाएगा ऐसा नहीं होता तो थोड़ा बहुत यहाँ पर नीचे आएगा बीस बीस तीस रुपए का यहाँ पर करेक्शन आएगा एट दैट टाइम आई विल विलोमलेट दैट पर्टिकुलर स्टॉक्स अगेन तो यहाँ पर इस स्टॉक

एक ये आ, आपको डिसाइड करना है कि आपको किस तरीके तो अगर हम बात करें जब इस तरीके के बेहतरीन स्टॉक होते हैं ना जहां पर हमें ग्रोथ ज्यादा नजर आए जो हमारे पास्ट का परफॉर्मेंस देख के हम यहां पर डिसाइड कर सकते हैं या फिर हम बात करें कर जिसकी हिस्ट्री बहुत अच्छी खासी है लंबी है तो उस केस में हमें स्टॉक्स को बेचना नहीं चाहिए उसे हमें होल्ड करना चाहिए इसी ऐसे ही सेम केस साथ हुआ ऐसी टेक्नोलॉजी के साथ हुआ एस सी एल टेक्नोलॉजी देखिए बार बार हम बात करें तो मैंने अच्छे कैसे लेवल पर ले रखा था तो हमेशा ऊपर जाता था फिर नीचे आता था इस बार मैंने क्या किया मैंने इस लगभग इसी लेवल पर हमने बेचते हुए नजर आए ओके तो नौ पर हमने खरीदा और ये इसी इस पे तो नहीं मैंने यहाँ पर बेच दिया था और उसके बाद यहाँ पर अगर देखे तो एक रैली यहाँ पर बनती हुई नजर आई तो ये हमारी मिस्टेक्स है ये हमें कैरी फॉरवर्ड मतलब समझना चाहिए कि इस तरीके के स्टॉक्स बेचने नहीं ये इन्वेस्टिंग स्टॉक है नहीं, हमेशा इन्वेस्टिंग के पर्पज से लेके भूल जाने वाले स्टॉक है लेके भूल जाना चाहिए अब बात करते हैं एक और दूसरे लेवल की तो देखिए एक लेवल ये भी होता है कि हम रिजल्ट देख के अगर किसी के रिजल्ट बेकार आ रहे हैं तो हम यहाँ पर बेच देना चाहिए अगर हम बात करें यहाँ पर एक शेयर हमने गलत मैंने भी आपको यहाँ पर रिकमेंड किया था वो शेयर गलत है ओके okay, मुझे अब लग रहा है हमारे हमने वो शेयर को गलत चूज किया बट हमारी एक अच्छी स्ट्रेटेजी ये है कि हम ज्यादा पैसा किसी भी शेयर में नहीं लगाते तो हमने यहाँ पर ये शेयर को चूज किया था यहाँ पर तीन सौ साठ रुपए के आसपास मैंने ये शेयर बताया था आज की रेट में ये अगर बात करूं तो अच्छा खासा यहाँ पर टूट चुका है यहाँ पर देखते हैं वैरॉक इंजीनियरिंग यहाँ पर देखिए तो लगभग टू नाइनटी थ्री पे शेयर आ चुका है तो हमने किस बेस पे चुना था हमने इसी बेस पे चुना था कि ये शेयर अच्छा खासा यहाँ परफॉर्म कर रहा है और आगे चल के भी परफॉर्म करेगा सेल्स तो अच्छी थी बट हमने यहाँ पर ध्यान नहीं दिया अच्छा ज्यादा की ये कंपनी का जो प्रॉफिट है वो नेगेटिव आ रहा है तो यहाँ पर नेगेटिव प्रॉफिट की वजह से अगर हम यहाँ पर देखें तो इस कंपनी की जो नैया है वो डूबती हुई दिखाई दी और यहाँ पर अगर देखिए तो हमने यहाँ पर जब ये शेयर तीन सौ के आसपास यहाँ पर चूज किया था उसके बाद ये कच्ची खासी 20 परसेंट तक की गिरावट यहाँ पर हो चुकी है तो एक ही हमारी हमारी मिस्टेक है और एक मिस्टेक इसी का मैं आपको कॉन्ट्राडिक्ट आपका एग्जांपल भी दूंगा देखिए यहाँ पर रिजल्ट अच्छे बेकार है तो यहाँ पर ये यह शेयर गिरता हुआ नजर आया बट एक कंपनी है जिसके रिजल्ट बेकार है बट वो उसमें अपर सर्किट लग गया वो शेयर भी मेरे पास था और मैंने वो बेच दिया ये नहीं बेचा अगर बात करें तेजस नेटवर्क तेजस नेटवर्क की बात करें तो देखिए यहाँ पर इस बार के जब इसके रिजल्ट आए थे तो मैंने ये रिजल्ट इसके कुछ खास नहीं आए थे यहाँ पर 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 देखिए इसकी सेल्स गिराव, गिरती हुई दिखाई दी थी यहाँ पर इसका नेट नेट प्रॉफिट प्रॉफिट की बात करें तो बिल्कुल ही साथ मतलब किसी भी नेगेटिव में था बट इतना कम यहाँ पर नेट प्रॉफिट आ गया था ईयरली बेसिस पर यहाँ पर बात करें कंपनी ने अच्छा खासा परफॉर्म किया बट इस तरीके से परफॉर्म नहीं कर पाई जो इसके दूसरे पीयर्स कर रहे थे तो इस वजह से मैंने यहाँ पर ये तेजस को बेच दिया अब तेजस को हमने यहाँ पर बेच दिया तो पर क्या हो गया कि जिस दिन हमने बेचा उससे अगले दिन यहाँ पर क्या लगने लग गया लगते लगते, से ज्यादा डेढ़ सौ परसेंट से भी हमने बेचा था ये इसी के आजपर, के तो कितने परसेंट के यहाँ पर रिटर्न देता हुआ नजर आया इसके हाईएस्ट लेवल तो वन थर्टी फाइव पर रिटर्न दे दिया समझ रहे है? तो इस तरीके की भी गलतियां होती रहती है तो आपको पहले कंपनी को भी समझना पड़ेगा तेजस एक ब्रांड है तो आपको समझना पड़ेगा यहाँ पर एक न्यूज भी आई थी कि टाटा ने यहाँ पर ले लिया इस शेयर को तो इस वजह से ये गिरता हुआ न, ये भागता हुआ नजर आया बट यहाँ पर ब्रांड भी है तो ब्रांड के साथ आप अगर रिजल्ट भी बेकार आते हैं ना तो भी आपको रहना चाहिए बट अगर ब्रांड नहीं है और वो शेयर आपका रिजल्ट अच्छा नहीं दे रहा तो वहां से निकल जाना चाहिए तो इसका मतलब ये है तो ये चीज हमें समझनी पड़ेगी और ये हमें थोड़ी बहुत हमें हमारी गलतियों से हमें सीखने को मिलता है तो इसे हमें सीखना पड़ेगा यहाँ पर अगर हमने बहुत सारे शेयर भी चुने हैं हमारे जितने भी शेयर है हमारे

हमारे पल्ले पड़ गया है तो हम बात कर रहे हैं थोड़ा सा इसमें अपसाइड्स आएगा जो मुझे लग रहा है कि आएगा ही तो तीन सौ तीन सौ तीन बीस तो हम यहाँ पर इसे एग्जिट करेंगे आ, अगले रिजल्ट से पहले यहाँ पर इसे एग्जिट करेंगे तो ये चीज हमें करनी पड़ेगी ओके okay, स्नोमैन की बात करें स्नोमैन भी हमारे पास काफी टाइम से है ये शेयर ऊपर जाता है फिर नीचे आता है फिर ऊपर जाता है तो हमें हम इसमें से भी यहाँ पर एग्जिट मारेंगे बट ये है हमें अपने पोर्टफोलियो में कम शेयर रखने सॉरी हमें जितने भी हमारे पास शेयर है उसमें हमें अपना पैसा कम ही रखना है ज्यादा पैसा नहीं रखना अच्छे स्टॉक्स में ज्यादा पैसा रखना है बेकार स्टॉक्स में कम पैसा यहाँ पर लगाते हैं इस चीज को हमेशा अपने माइंड में रखिएगा तो उसमें क्या होगा उसमें आपको लॉस होगा बट कम होगा और जब प्रॉफिट होगा तो आपको अच्छा खासा प्रॉफिट होगा तो यही आज की वीडियो का मकसद है

में आप अपने हिसाब से काम कर सकते हैं तो आपको डिसाइड करना है, आपको मिल रहा है, अच्छा खासा तो है, और फिर अगर मिल रही है, उसे में अच्छे खासे आ रहे है तो यही चीज मैं आपको, आपको बतानी थी तो ये वीडियो लंबा हो गया है, पर पर करते, कोई हो, तो आप नीचे कमेंट करिएगा उससे रिलेटेड हम बातें करेंगे और वीडियो भी बनाने की कोशिश करेंगे बाकी थैंक यू सो मच लाइक कर दीजिएगा